आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये दो तस्वीर कुछ नई बात तो कह रही है, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े कर रही है। एक और पिछले हफ्ते जोर शोर से शुरू की गई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की 20,000 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने की कोशिश। इस मौके पर अखिलेश यादव ने पर्यावरण की रक्षा में पेड़ों की अहमियत पर जोर दिया, लेकिन वो विरोधियों पर निशाना साधने से नहीं चूके और उन्होंने आरएसएस पर चुटकी ली। जिन्होंने जनता में न जाने क्या क्या कहा, वो सरकार में आ गए तो उन्होंने कहा कि हम नदियां साफ कर देंगे, हम गंगा साफ कर देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर गंगा साफ करना चाहते हो तो आपकी जब तक नदियां साफ नहीं होंगी तब तक आपकी गंगा साफ नहीं हो सकती। आरएसएस के साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर भी ताना मारा। जो हाथी लगाए गए आज तो 9 साल हो गए लगभग, जो हाथी लगे वो अभी वैसे ही वैसे हैं, जो बैठे हाथी लगे थे अभी तक खड़े नहीं हुए, खड़े वाले अभी तक बैठे हैं। दोनों ही योजनाओं का मकसद पर्यावरण की रक्षा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जरिए आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटों पर निशाना साधना भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन लोक लुभावन योजनाओं से सरकार वोटरों को बहला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।